हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज के इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे रिटेलर्स जो हैं, जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं, वो आपको कैसे प्री एक्टिवेटेड डिवाइसेस बेच देते हैं। अगर आप कोई भी मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो वो पहले से एक्टिवेट होता है और उसे रिपैक करके वो आपको बेच सकते हैं। तो आप कैसे उनसे बचें, इस वीडियो में आप देख लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के इस बटन को दबा के आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो रिटेलर्स हैं वो आपको कैसे प्री एक्टिवेटेड जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको बेच देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल जो पहले से ओपन है और उसकी रीपैकिंग की जा रही है, यानी कि उसके ऊपर से जो पॉलीथीन जो पैक होती है कंपनी की तरफ से वो निकल चुकी है, लेकिन उसको दोबारा से पॉलीथीन पैक किया जा रहा है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये कोई फैक्ट्री में पैकिंग नहीं हो रही है, ये रिटेल स्टोर में पैकिंग है। मैं गया था किसी एक रिटेल स्टोर में तो वहाँ पे जब ये पैकिंग हो रही थी तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था चुपके से, और तो मैं ये आपको ये वीडियो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पैकिंग हो रही है ये प्री एक्टिवेटेड हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मोबाइल के पीछे जब भी आप देखते हैं तो उसके पीछे पैकिंग डेट देखिए और उसे आप कंपनी के जो सर्विस सेंटर हैं, अगर आपको ऐसा मोबाइल मिल चुका है तो वहाँ पे जाके उनसे पता कीजिए कि इसकी जो एक्टिवेशन डेट है वो कब से है, और जो इसका बिल मिलता है उससे उस एक्टिवेशन डेट को मैच कीजिए और तब आपको पता चल जाएगा कि ये मोबाइल आपको प्री एक्टिवेट तो नहीं दे दिया। अगर आपने कभी ऐसा मोबाइल ख़रीद लिया है तो आप चेक कर सकते हैं, एक ही तरीका है और इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है। क्योंकि जो प्री एक्टिवेटेड होते हैं उनमें आपको वारंटी कम टाइम से मिलती है। जैसे मान लीजिए एक फ़ोन सिम लग गई है और जो उसको आप एक महीने बाद ख़रीदते हैं तो एक तरीके से वो सेकेंड हैंड फ़ोन हो जाता है सिम लग के, और उसकी जो वारंटी होती है वो 12 महीने से घट के 11 महीने हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्री एक्टिवेटेड फ़ोन होते हैं मार्केट में जो कि पता भी नहीं लगता और एकदम वो आपको रीपैक करके दे दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे मशीन में ये पैक हो जाते हैं आसानी से और आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों, प्री एक्टिवेटेड फ़ोन कभी मत लीजिए, और अगर आपको कभी ऐसा फ़ोन मिल चुका है तो फिर आप इसे सर्विस सेंटर जाके वहाँ पे पता कर सकते हैं और जो आपको स्टोर से बिल मिला होगा उससे उस प्री एक्टिवेशन डेट को मैच करके आप पता कर सकते हैं, और अपने जो रिटेल स्टोर से फ़ोन लिया था उनसे आप बात कीजिए और उनसे रिफ़ंड मांगिए। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ नए वीडियो में। जय हिंद।